चलेंगे आगे। जय माता दी। गेम जो आई थिंक आप सब अच्छे ही होंगे गाइस। अब बच चुके हैं सुबह के 5 और हम लोग बस अभी अपने रूम से ही निकल रहे हैं। सो अब निकलेंगे चढ़ाई की तरफ माता रानी की। मैंने पहना है, मैंने कपल में करने वाले हैं दर्शन, सो दैट्स व्हाई आई वेयर दिस ड्रेस एंड अभी इसके ऊपर में जैकेट और सो आपको मिलते हैं आगे, मिलते हैं आपको। माता लोग कटवाने जा रहे हैं पर्ची। सबसे पहले अगर हमें माता रानी पर्ची कटवाएंगे आधार कार्ड लगेगा हमारा और जो भी हमारी स्लिप्स है वो लगेगी उसके बाद ही माता रानी की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं तो पहले हम कटवाते पर्ची। गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि रश बहुत कम है, देखिए बिल्कुल भी रश नहीं है। जिससे हम जाएंगे माता रानी के दरबार। हमारी मैडम ले चुकी है अपनी चाय और हमारी चाय और मठरियां भी लेके आए साथ में। ये देखिए गाइस मठरी विद टी इन दिस ठंडी का मौसम एंड इन द कतरा। गाइस ये देखिए माता रानी का दरबार सामने दिख रहा है गाइस। मेरा माता रानी का दरबार सामने, ये पूरा है, ये भवन है गाइस। चलेंगे आगे। जय माता दी। गाइस हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, कर रहे हैं केगल चढ़ाई स्टार्ट। तो अभी ये शुरुआत है गाइस, आपको आगे के और बहुत सारे सीन दिखाएंगे। तो गाइस वैसे यहाँ पे पिट्ठू भी कर सकते हैं, पालकी भी कर सकते हैं, बट हम लोग तो केगल चढ़ाई कर रहे हैं गाइस। इस तरीके से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं गाइस। ये घोड़े हैं गाइस और इन्हें कटरा में कहा जाता है पिट्ठू। अभी हम पहुंचे हैं मतलब 365 सीढ़ीज चढ़ के यहाँ तक आए हम, और सीढ़ियाँ बिल्कुल ना चढ़े माता रानी की। अगर चढ़ाई करें तो जो अपने गोडे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाएंगे, तो प्लीज़ सीढ़ियाँ अवॉइड करें और जितना हो सके पैदल रास्ता लें। बहुत ज़्यादा इनका हाथ पकड़े चलाना पड़ता है। मत कर ऐसे। तो गाइस अब बच चुके हैं 7 और हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते थोड़ा सा नीचे अभी, तो बस चढ़ रहे हैं। चल रही है गाइस चढ़ाई, चले जा रही है। तो अभी हमने कुछ खाया पिया नहीं है ज्यादा, सिर्फ चाय ही ली है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे हम लोग क्या खाते हैं और क्या मस्ती करते हैं। आप गाइस देख सकते हैं पीछे अब सूरज निकलेगा। व्हाट द व्यू ऑफ माता रानी, बहुत प्यारा व्यू है। जयमाता जी करते हुए बस चले ही जा रहे हैं। बहुत ज्यादा पाँव की दर्द, अभी तो शुरुआत है फिर भी थोड़े पाँव दर्द। गाइस इतना मजा आ रहा है ना रास्ते में, बहुत मजा आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं गाइस भवन का रास्ता यहाँ से है और यहाँ पे अर्धकुंवारी का, तो अर्धकुंवारी हम जा नहीं रहे बिकॉज वहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बुकिंग चलती है वहाँ 1.5 महीने पहले से ही। हम जाएंगे गाइस भवन मार्ग में, ये जो मार्ग कैसे कहते हैं हिमकोटी मार्ग, हम चलते हैं गाइस हिमकोटी मार्ग से आगे। तो आपको भी दिखाते हैं आगे खाएंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे तो आपको दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं यहाँ पे, स्पेशल क्या मिलता है माता रानी के। तो गाइस अब यहाँ पे है गाड़ियाँ जो अपन ले सकते हैं और उसका वहाँ पे पंजीकरण होगा पहले गाड़ी के लिए। पहले तो बहुत लंबी लाइन है वहाँ पे, जो लाइन में ही 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद ये टाइमिंग के हिसाब से चलती है, जैसे 8 बजे चलेगी तो फिर 12 बजे चलेगी, फिर 4 बजे, फिर 8 बजे। तो वो टाइमिंग ऐसे मैच नहीं होता, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक का मार्ग 5.5 किलोमीटर कवर करना है, तो आप ऑब्वियस ये वाली गाड़ी अपन कर सकते हैं। ये गाड़ी आपको 10 मिनट में भवन पहुंचा देगी। जय माता दी।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. बहुत ज्यादा फोटो शूट कर चुके हैं, उतना पड़ेगा सारे जितने भी हमारे फोन्स वगैरह है वो सब जमा कराने पड़ेंगे, देन फिर माता रानी के दर्शन होंगे, तो चलते हैं आगे, पहले कुछ खाएंगे। जय माता दी। चलो गाइस, हम लोगों को लग रही है बहुत ही तेज भूख, तो अभी हम लोग आए हैं। और स्पेशली वैष्णो देवी का जो स्पेशल फूड है वो राजमा चावल ही है गाइस। राजमा चावल बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। क्या ऑर्डर कर रहे हो? एक मसाला डोसा और एक सांभर। ओहो, गाइस हमारे पास। अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन की साइड। तो भवन दिख गया है, यहाँ से भवन दिख चुका है। ये माता रानी का भवन है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत प्यारा भवन माता रानी का। माता रानी दर्शन हो चुके हैं। जय माता दी। और बहुत 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 मतलब मजा आया सीरियसली। गाइस, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं टिकट भैरव बाबा के दर्शन के लिए, तो हम भैरव बाबा के दर्शन में जाएंगे रोपवे में। ये है रोपवे जिसके अंदर हम जाएंगे अभी भैरव बाबा के दर्शन करने। इसका जो प्राइस है वो पर पर्सन 100 रुपीज़ है, कि पर पर्सन 100 रुपीज़ है इसका प्राइस।